हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सभी बात करने वाले हैं कि हमें APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड किस किस चीज़ के यूज़ के लिए कंपेटेबल है, और उस हिसाब से हम देखने वाले हैं कि ये हमारे यूज़ के लिए हिसाब से है कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके यूज़ के हिसाब से है कि नहीं, और आप इस चाहते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर को बाई करना, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पे सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये है हमारा एक APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, और ये एक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है जिसकी मदद से हम काफ़ी सारे मॉडल्स बना सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो हमें नॉर्मली जनरली जो हम इस चीज़ से बनाते हैं इससे RC ड्रोन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे कई तरीके के ड्रोन्स को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम हेक्साकॉप्टर, ट्राईकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, एक्सेट क्वाडकॉप्टर तक के फ्रेम्स में हम यहाँ पे अपने इस ड्रोन को बिल्ड कर सकते हैं, अपने ड्रोन्स को बिल्ड कर सकते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से 800 mm के फ्रेम तक में, मीन्स 80 सेंटीमीटर तक के फ्रेम में हम इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलने वाली। सो गाइस, अब इससे बात करते हैं कि हम कौन कौन से मॉडल्स और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इससे बना सकते हैं RC प्लेन। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हम इससे RC प्लेन बना सकते हैं अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से, और हम चाहें तो अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से बना सकते हैं RC कार। सो गाइस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से हम बना सकते हैं। और यहाँ पे इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की एक अच्छी चीज़ की बात करूँ तो ये यहाँ पे हमें बैटरी फेल सेफ मिल जाता है, मींस यहाँ पे पावर मॉड्यूल मिल जाता है। हमारे इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर एक बैरोमीटर सेंसर होता है, और यहाँ पे हमारे इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड GPS को भी सपोर्ट करता है, और हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड हमारे टेलीमेट्री को भी सपोर्ट करता है। जी हाँ गाइस, ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड एक टेलीमेट्री को भी सपोर्ट करता है, और हमारे इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हमें एक्सटर्नल कंपास नहीं यूज़ करना होता। चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको GPS के साथ प्रोवाइड कराया जाता है GPS मॉड्यूल में, बट यहाँ पे हमें इंटरनल कंपास भी प्रोवाइड कराया जाता है। और उस हम कंपास कैलिब्रेशन जब करते हैं तो हम यहाँ पे इंटरनल कंपास का हम अपने कंपास कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की मदद से हम काफ़ी सारे मॉडल्स को बना सकते हैं, और इसके फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के अंदर काफ़ी अच्छी खासी हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में हम ऑक्टोकॉप्टर तक के मॉडल को बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम 8 ESC तक के पिंस को अटैच कर सकते हैं, 8 ESC के पिंस को अटैच कर सकते हैं। ऑफकोर्स ऑक्टोकॉप्टर में 8 ESC की पिंस होती हैं, और यहाँ पे हम इनपुट्स के अंदर भी 8 चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से। मीन्स हम अपने ट्रांसमीटर के 8 चैनल्स को से कमांड दे सकते हैं अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को। और भी हम चाहें तो हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी पिंस दी गई हैं, जहाँ पे हम सोनार, बजर, ब्लिंकिंग LED, या फिर हम बात करते हैं अपने कैमरा गिम्बल की, मतलब गिम्बल यहाँ पे हम 3 एक्सिस का कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 एक्सिस गिम्बल, जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, यहाँ पे हम 3 एक्सिस गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की मदद से। साथ में हमें यहाँ पे शटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फंक्शंस इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिन्हें अगर हम लिखने बैठ जाएंगे गाइस, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, खासकर जब आप GPS यूज़ करते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमें फ्लाइट मोड्स मिलते हैं। ये फ्लाइट मोड्स वो चीज़ होते हैं जिससे, मतलब किस फ्लाइट मोड में हम अपने ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, स्टेबलाइज फ्लाइट मोड होता है, एल्टीट्यूड होल्ड फ्लाइट मोड होता है, लोएटर, एक्रो, लैंड, रिटर्न टू लॉन्च, जिग जैग, सर्कल, ऐसे कई तरीके के हमें फ्लाइट मोड्स मिल जाते हैं, और इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हमें फेल सेफ मिल जाता है। यदि हम इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर GPS ना भी यूज करें, तो भी हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में अगर हवा नहीं चल रही है तो काफी अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हम बिना GPS के भी बैटरी फेल सेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बिना GPS के भी हम कई फ्लाइट मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिना GPS के फेल सेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस हो जाता है आपके ड्रोन के थ्रू, तो यहाँ पे हमें फेल सेफ मिलता है लैंड का, मीन्स जहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे GPS यूज़ करते हैं तो आपको रिटर्न टू लॉन्च या फिर रिटर्न टू होम का फेल सेफ मिल जाता है आपको इस अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर।
इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का ये ओरिजिनल पोर्शन नहीं आता गाइज, ओरिजिनल पार्ट मैन्युफैक्चर होना बंद हो चुके हैं। इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के सभी जो बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, जिस भी स्टोर के अंदर अवेलेबल हैं, वो सभी क्लोन हैं, वो सभी कॉपीड आइटम है। यहाँ पे ओरिजिनल आइटम अब हमें देखने को नहीं मिलता है पीएम 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर। फिर भी क्लोन होने पर भी ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड हमें काफ़ी अच्छी स्टेबल फ्लाइट देता है और कभी कभार ही काफ़ी रेयरली ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो गाइज, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ, पर अभी के लिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हमें काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें अपने GPS मॉड्यूल की, तो हमें यहाँ पे कौन सा GPS मॉड्यूल यूज़ करना होता है या फिर कैसा दिखता है इसका GPS मॉड्यूल, तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा GPS मॉड्यूल, जिसमें भी एक कंपास प्रोवाइड कराया जाता है, एक्सटर्नल कंपास जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हम 7M GPS मॉड्यूल तक का यूज़ कर सकते हैं अपने APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। 6M का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम 8M का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गाइस। जी हाँ, हम यहाँ पे केवल 7M GPS मॉड्यूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये GPS मॉड्यूल सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट होकर खुद को 3D फिक्स करता है। जी हाँ गाइस, ये खुद को 3D फिक्स करता है, और जब तक GPS, जितना बढ़िया GPS 3D फिक्स होगा, GPS की सिग्नल स्ट्रेंथ सैटेलाइट से जितनी अच्छी होगी, हमें वहाँ पे उतनी ही अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी GPS की ही मदद से। जी हाँ गाइस, GPS की ही मदद से हमारा ड्रोन लोएटर फ्लाइट मोड में फ्लाई होता है या फिर किसी भी ऑटो मोड में मिशन को कंप्लीट करता है। हमें वहाँ पे वे पॉइंट्स डालने होते हैं और यहाँ पे वो GPS की ही मदद से उन सभी मिशंस को कंप्लीट करता है। और यहाँ पे बात करें रिटर्न टू लॉन्च या फिर रिटर्न टू होम फ्लाइट मोड की, तो उसमें भी ऑफकोर्स GPS की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही हम अपने ड्रोन को फ्लाई यहाँ पे टेक ऑफ करते हैं 3D फिक्स होने के बाद हमारा GPS, तो यहाँ पे जैसे ही हम टेक ऑफ करते हैं तो वहाँ पे हमारा होम मार्क हो जाता है हमारे मैप के अंदर, और हमारे फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को और हमारे GPS को पता होता है कि इसने वहाँ से फ्लाई किया था। तो जैसे ही यहाँ पे रिटर्न टू होम या फिर रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, तो ड्रोन तुरंत ही एक पर्टिकुलर हाइट के अंदर जो भी आपने वहाँ पे सेटअप कंप्लीट किया है उसके अनुसार वहाँ पे तरफ वापसी करने लगता है। तो यहाँ पे GPS का काफ़ी अच्छा रोल है आपके ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। आप यदि GPS यूज़ कर रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइट्स भी ले सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स आप अपने वहाँ पे मैप के अंदर देख सकते हैं, आप अपने मिशन प्लान के अंदर देख सकते हैं कि आपका ड्रोन कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, कहाँ जा रहा है गाइज, और उसके लिए आपको टेलीमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है गाइज। जी हाँ, आपको टेलीमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। टेलीमेट्री का इस्तेमाल कोई मैंडेटरी नहीं है यदि आप ऑटो वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ऑटो मिशन मोड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो नॉर्मली जनरली रिटर्न टू लॉन्च हमें GPS मॉड्यूल बस यूज़ करने पर भी मिल जाता है, और हमें लोएटर फ्लाइट मोड भी हम केवल GPS मॉड्यूल बस यूज़ करें, टेलीमेट्री ना यूज़ करें, तो भी हम यहाँ पे लोएटर फ्लाइट मोड, रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेलीमेट्री की। तो जी हाँ गाइस, ये है हमारी FPV रेडियो टेलीमेट्री, जिसके अंदर हमें दो ग्राउंड मॉड्यूल और एयर मॉड्यूल देखने को मिल जाते हैं। एयर मॉड्यूल लग जाता है हमारे ड्रोन के अंदर, और ग्राउंड मॉड्यूल को हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या फिर आपके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में OTG की मदद से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे कि क्यू ग्राउंड कंट्रोल, मिशन प्लानर या फिर टावर। सो गाइज, इन सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे टेलीमेट्री का आखिर रोल क्या है हमारे फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के अंदर। जी हाँ गाइज, टेलीमेट्री का रोल ये है कि वो आपको आपके फ्लाइट कंट्रोलर का, आपके ड्रोन का हर एक डाटा प्रोवाइड कराती है। आपकी टेलीमेट्री आपको बताती है मैप के अंदर कि आपका ड्रोन अभी कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, विंड स्पीड बताती है, वे पॉइंट बताती है, आपकी बैटरी वोल्टेज कितना है, आपका ड्रोन रिटर्न टू लॉन्च हो रहा है तो किस स्पीड के साथ रिटर्न टू लॉन्च हो रहा है, वर्टिकल टेक ऑफ स्पीड, हॉरिजेंटल स्पीड, हर एक चीज़, हर एक छोटा से छोटा पैरामीटर आपको अपने टेलीमेट्री के अंदर देखने को मिल जाता है। और अपनी टेलीमेट्री की ही मदद से यहाँ पे ऑटो मोड पे मिशंस को दे सकते हैं, वे पॉइंट्स को दे सकते हैं। मिशन देना मतलब आपका ड्रोन यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिकली चला जाए, आपको ट्रांसमीटर को छूने की जरूरत नहीं है, आप अपने केवल टेलीमेट्री की मदद से इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं गाइज। यही सिग्निफिकेंट रोल है हमारे FPV रेडियो टेलीमेट्री का। और यदि आप वीडियो यहाँ पे आप चाहते हैं आप FPV कैमरा लगाना, तो उसके लिए अलग से ट्रांसमीटर होते हैं उसके और रिसीवर होते हैं। यहाँ पे FPV का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम FPV कैमरा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं गाइस। तो ये काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल है हमारे टेलीमेट्री का।
अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने पावर मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे हम पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते क्यों? जी हाँ गाइस, पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम बैटरी फेल सेफ को यूज़ कर सकें। पावर मॉड्यूल ही वो चीज़ है जो बैटरी के वोल्टेज को, बैटरी के करंट रेटिंग को मेज़र करके हमारे फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड तक पहुँचाती है उस इन्फॉर्मेशन को। और फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में जो सेटअप किया गया है कि लो बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए, फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड उस हिसाब से वहाँ पर एक्शन लेता है। तो यदि आप बैटरी फेल सेफ यूज़ करना चाहते हैं तो आप को यहाँ पे पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। और पावर मॉड्यूल का एक पिन जाके हमारे पीएम APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के PM पावर मॉड्यूल पोर्ट पर जाके फिक्स होता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे बताता है कि आखिर हमारे बैटरी का वोल्टेज कितना है, करंट कितने रेट से ड्रॉ हो रहा है, कितना करंट रेटिंग है, कितना वोल्टेज बता है, कितने मिली एम्पेयर की अभी बैटरी बची है और कितना हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे टेलीमेट्री में, मीन्स हमारे लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर वहाँ पर हमें शो होती हैं कि हमारी बैटरी का करंट वोल्टेज क्या है। सो गाइस, बेसिकली आपने समझ लिया होगा कि ये क्या क्या फंक्शंस कर सकता है हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है, और अगर इन्हें एक्सप्लेन करने बैठा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने कुछ ऊपरी फंक्शंस बताए हैं, अदरवाइज इसके डीप में जाएं तो हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारी ऑक्सिलरी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे हम चीज़ें कर सकते हैं। अपने मिशन प्लान सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएं तो आप वहाँ पे पाएंगे कि इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर हम एक प्रो लेवल का ड्रोन भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इसे अपग्रेड करके पिक्सॉक पर जाते हैं गाइस, तो वहां पे आपको जो स्टेबिलिटी देखने वाली है वो आप सोच भी नहीं सकते। पर यदि हम बात करें APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के बारे में तो काफी अच्छी स्टेबिलिटी है, काफी सारे मॉडल्स डिजाइन किए जा सकते हैं, काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, और काफी तरीके के आप यहाँ पे फ्लाइट मोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी तरीके के आपको यहाँ पे फेल सेफ मिल जाते हैं, काफी तरीके के आप यहाँ पे अदर इक्विपमेंट जैसे कि सोनार, पैरासूट, या फिर आप यहाँ पे कैमरा गिम्बल या फिर शटर का ऑप्शन भी आपको कैमरा के अंदर यहाँ पे मिल जाता है जब भी आप इसमें कैमरा गिम्बल अटैच करेंगे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे हम 3-axis गिम्बल को अटैच कर सकते हैं गाइस, और सब कुछ इसी फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के अंदर होना है। बस इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का एक ही डिमेरिट है कि इसको प्रोग्राम करने के लिए हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। पर ऑफकोर्स गाइस, जब आप यहाँ पे इतनी महंगी किट खरीदेंगे तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा ही, और ऑफकोर्स जब आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है इतने सारे फीचर्स एक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के अंदर, तो ऑफकोर्स उसको प्रोग्राम करने के लिए किसी भी कंप्यूटर की जरूरत होगी, क्योंकि उसे मोबाइल फोन से प्रोग्राम करना ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं होगा। बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो इंडियन मार्केट में कुछ जगह पे 2500 रुपये में, कुछ जगह पे 3000 रुपये में अवेलेबल है गाइज। आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर में, काफ़ी ऑनलाइन स्टोर काफ़ी महंगे भी देंगे और काफ़ी ऑनलाइन स्टोर काफ़ी ज़्यादा सस्ते फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड भी देंगे। यहाँ पे केवल फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की प्राइस की बात की जा रही है। अगर GPS के प्राइस की बात करें तो वो 1500 से लेके 2000 रुपये में मिल जाता है, और अगर टेलीमेट्री की बात करें तो वो भी 2500 से 3000 रुपये तक में मिल जाती है। पावर मॉड्यूल हमें 700 रुपये में मिल जाता है। अफकोर्स अगर इसकी हम पूरी किट की बात की जाए तो अफकोर्स हमें 7 से 8000 रुपये में इसकी पूरी किट मिल जाती है। पर उससे आप इतने प्रो लेवल का ड्रोन डिज़ाइन कर सकते हैं, इतने प्रो लेवल का आप ड्रोन डेवलप कर सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अफकोर्स ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है, और ये एक Arduino पर बेस्ड है, Arduino Uno पर बेस्ड है हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो के अंदर आपने सब कुछ समझ लिया होगा इस फ्लाइट कंट्रोलर के बोर्ड के बारे में, और अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड बाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप यहां पे अपने यूज के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका यूज कैसा है, और आप उस यूज के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को परचेस करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो में आपने सब कुछ क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।